नपटारा सरकार ने किया जिहड़ा जुलम सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास की है बगैर इन्हां दा पक्ष सुनिया ये बहुत शर्म की गल है कि सुप्रीम कोर्ट के विच कोई भी सिख जज किन्ने सालों तो उत्थे है नहीं गे। सिखां नूं हुण हिंदुस्तान भारत के विच कोई जगह नहीं मिल रही जिथे असी अपनी दुख तकलीफ दस सकीए कर सकीए और बहुत तकलीफ दे विच है। जे असी कोई मसला उठाने तो साडे अपने सिख सियासतदान प्राइम मिनिस्टर नूं जाके दसदे है कि काले दिन फिर आउण वाले है। किहड़े काले दिन आए है? 5 साल मैं इस हुकूमत इंडिया की तनाई की कैद कट्टी है। मैं तो उस वेले काले दिन नहीं कहा, मैं कहा वो रोशनी के दिन सीगे। बेशक मैं जेल दे विच सीगा। साडी कौम इंडिया के जुल्म का मुकाबला कर रही थी जिहदे करके मैनू कोई अफसोस नहीं होया, कोई सदमा नहीं होया कि मैं 5 साल तनाई की जेल कट्टी है। तो हुण जे साडी कौम उठ रही है तो मैं सारे वीरां नूं पंजाबियां नूं किसे धर्म दे होण इस जुल्म दे खिलाफ उठना चाहिए। तुसी मेरे ते बहुत कृपा कीती है। आम पार्टी ते 92 MLA ने, राज्यसभा दे विच मैंबर ने, उस दे बावजूद तुसी सारे ने रल के मैनू पार्लीमेंट दे विच भेजे। पर उत्थे पार्लीमेंट दे विच भी हफड़ा दफड़ी पई हुई है कि जे सिमरनजीत सिंह मान नूं बोलन दईए तो पता नहीं किहड़ा तूफान लेके आऊगा। 22 तरीक नूं लिखती तौर दे उत्ते मैं पार्लीमेंट दे विच ये सवाल दाखिल करूँगा। हुण देखदे हैं मैनूं बोलन दिंदे है कि नहीं दिंदे, पर वो सवाल जिहड़ा मैं पुछूंगा लिखती तौर पर वो मैं पब्लिक दे विच अपनी वैबसाइट पर ले आऊँगा। वो तुसी सारे देख लियो कि जो वादे इत्थे कीते है उही पार्लीमेंट दे विच रहणगे। सो इन्हां शब्दां नाल होर कोई सवाल जवाब तुहानूं पुछणा है तां दस दिओ।